सब्सक्राइब टू टेक रश्मि एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने मुझे बताया था कि आपका वीवो फ़ोन है जो हैंग हो रहा है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, हम हैंग को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके वीवो फ़ोन जो हैंग होता है, स्लो होता है, लैग होता है, उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं। और कल संडे है, मैं लाइव आऊँगा, आपका जो भी क्वेश्चन है वहाँ पर मुझे पूछ सकते हैं। और मैं जो वीडियो बनाता हूँ वीवो के ऊपर, उस वीडियो को आप देखते हैं और कुछ भी वीडियो नहीं देखते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसको देखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सो है जनता, वन लाइक बनता। फ्रेंड्स, फास्ट आपको जाना है सेटिंग पर। सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर आपको हमेशा आपका फ़ोन को अपडेट रखना है, ठीक है। जितना आपका फ़ोन अपडेट रहेगा उतना आपका फ़ोन सेफ रहेगा और हैंग नहीं होगा। और उसके बाद जाना है आई मैनेजर। और मैं आपको बताता हूँ कि आप जब जो अननोन साइट विजिट करते हैं उसमें भी आपका फ़ोन पर वायरस एंट्री होता है, तो आप अननोन साइट जो साइट सेफ नहीं है उसको भी विजिट मत कीजिए। और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा वायरस स्कैन, यहाँ पर जाके उसको आप फर्स्ट स्कैन कर देंगे। स्कैन करने के बाद उसके बाद आता है मेन जो है ऑप्शन, जहाँ जिसके वजह से आपका फ़ोन जो है हैंग होता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पर जाना है स्पेस क्लीन अप। यहाँ पर आपको जो मेन पॉइंट है जिसके लिए आपका जो फ़ोन हैंग होता है वो है आपका जो है स्टोरेज फुल होने के वजह से। तो फर्स्ट आपको स्टोरेज को क्लीन करना है। कैसे? यहाँ पर आपको जो एम्प्टी करना है ट्रैश को, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना है। और जो जंक फाइल है, जो मेन जो जिसके लिए जो वायरस है उसको आपको डिलीट करना है, ठीक है, इस पर क्लिक करना है और आपका जो जंक फाइल है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लीन अप इन प्रोसेस। जो फर्स्ट मैं आपको बताया, आपको फर्स्ट जंक फाइल है उसको डिलीट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं 256 MB मेरा क्लीन हो गया। और उसके बाद हमेशा आपका जो जितना भी स्टोरेज है 50 या 80% से ज़्यादा यूज नहीं करना है। 80% से आपका स्टोरेज ज़्यादा यूज होगा तो आपका फ़ोन हैंग होगा। जैसे देख सकते हैं मेरा अभी 21% यूज हुआ है। और उसके बाद देखते हैं जो आपका एप्लीकेशन, देखते हैं ये क्रोम मेरा कितना MB नहीं है, 1.6 GB, यूट्यूब 713 MB, पेटीएम 688 MB, ये सब ज़्यादा MB ले रहा है। जैसे देखते हैं टिकटॉक 679 MB। तो आपका जब स्टोरेज फुल हो जाएगा क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अकाउंट ऑल, यहाँ पर आपको अनइंस्टॉल कर देंगे, फिर से जाके उसको डाउनलोड कर लेंगे और फिर से वही अकाउंट लेके लॉग इन कर लेंगे। यहाँ पर आपको टिकटॉक देखेगा कि 82 या 88 MB। जब आप ज़्यादा दिन के लिए इसको रख देते हैं सभी डाटा यहाँ पर उस पर स्टोर हो जाता है, जिसके लिए आपका जो है स्टोरेज फुल हो जाता है, ठीक है। इसको आपको डिलीट करना है जो ज़्यादा MB का एप्लीकेशन। उसके बाद जाना है फ़ोटो क्लीन अप। यहाँ पर भी आपको सारी जो फ़ोटो है वो क्लीन करना है। जैसे यहाँ पर आपको जाना है ऑल इमेज जाने के बाद यहाँ पर आ गया जो थंबनेल, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट ऑल करना है। ऑल करने के बाद यहाँ पर एक डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, सारी यहाँ पर इसको डिलीट करना है जो स्क्रैच इमेज है, ठीक है। ऐसे आप ज़्यादा जितना जो स्क्रैच इमेज डाटा हो गया उसको जितना ज़्यादा डिलीट करेंगे और जितना आपका स्टोरेज फ्री रहेगा उसी हिसाब से आपका फ़ोन है स्लो नहीं होगा और बेटर जो है और ज़्यादा अच्छा चलेगा, ठीक है। ऐसा करके आप कीजिए और हमें 100% श्योर हूँ कि आपका जो है फ़ोन कभी हैंग नहीं होगा। और आप जब भी डाटा यूज़ नहीं करते हैं तभी डाटा को ऑफ कीजिए, ठीक है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।